अब आजकल ये मोदी गारंटी मोदी की गारंटी चल रही है। फर्जी गारंटी है, उन्होंने गारंटी दी थी 15-15 लाख रुपए आए किसी के, उन्होंने गारंटी दी थी 1 साल में 2 करोड़ नौकरी दूंगा, किसी को नौकरी मिली? उन्होंने गारंटी दी थी एमएसपी दूंगा, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करूंगा, किया उन्होंने? उन्होंने गारंटी दी थी 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, हुई कोई? उन्होंने गारंटी दी थी 100 स्मार्ट सिटी बनाऊंगा, बनाया कोई? इसमें एक भी गारंटी पूरी नहीं की। आज केजरीवाल आपको गारंटी देके जा रहा है, भारतीय झूठी पार्टी है। आज मैं आपको गारंटी देके जा रहा हूं, ये केजरीवाल की गारंटी है। मैंने दिल्ली वालों को जितनी अभी तक गारंटी दी सारी पूरी करी, इसीलिए दिल्ली वाले प्यार करते हैं। आज मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, एक तो ये 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है केंद्र में, जो इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी उसमें आम आदमी पार्टी की भी हिस्सेदारी होगी। ये जो मैं गारंटी दे रहा हूं ये केजरीवाल की गारंटी है, इंडिया गठबंधन के साथियों से मैंने पूछा नहीं है, लेकिन मैं उनको मना के पूरी कराऊंगा। पहली गारंटी, पूरे देश में 24 घंटे बिजली का इंतजाम कर दूंगा। दिल्ली में कर दिया, पंजाब में कर दिया, करना आता है। गरीबों के लिए फ्री बिजली का इंतजाम कर दूंगा, दिल्ली में कर दिया, पंजाब में कर दिया, करना आता है, आपके लिए भी कर दूंगा, पूरे देश में कर दूंगा। दूसरी गारंटी, गांव गांव में शानदार सरकारी स्कूल बना दूंगा पूरे देश के अंदर, पूरे देश में। ये जो मैं कह रहा हूं ये काम 75 साल पहले 1950 में हो जाना चाहिए था, सबसे पहला काम आजादी के बाद ये होना चाहिए था, गांव गांव के अंदर अच्छे स्कूल खुलने चाहिए, वो गलती हो गई, कोई नहीं, हम पूरी करेंगे। गांव गांव के अंदर शानदार सरकारी स्कूल बनाऊंगा, ऐसे स्कूल बनाऊंगा आप अपने बच्चों को प्राइवेट से निकाल के सरकारी में भर्ती करा दो। तीसरी चीज, गांव गांव के अंदर मोहल्ले मोहल्ले के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बना दूंगा, हर जिले के अंदर शानदार सरकारी सिविल हॉस्पिटल बनाएंगे, एयर कंडीशन फैक्स और मोटे मैक्स और फोर्टिस से भी अपोलो से भी ज्यादा अच्छे अस्पताल बनाएंगे सरकारी। और इस देश में पैदा होने वाले हर नागरिक का सारा इलाज मुफ्त करेंगे, दवाइयां ऑपरेशन कोई बीमारी हो जाए सारा इलाज मुफ्त होगा, इंश्योरेंस होना चाहिए नहीं होना चाहिए? ये असली राष्ट्र निर्माण है, ये असली राष्ट्र निर्माण है। चौथी बात, चीन ने हमारी जो जमीन पे कब्जा कर रखा और पाकिस्तान ने जो कब्जा कर रखा है छुड़ा के लाएंगे हम लोग।